गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आप कोई कार्य को वास्तव में करना चाहते हैं तो उसे करने का तरीका खोज लेंगे, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना करने का बहाना खोज लेंगे। तो इसलिए आप अपने किसी भी कार्य को टालिए मत, उसका तरीका खोजिए, मुसीबत में भी बहाना मत खोजिए। भाग विधि से वर्गमूल हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि कोई पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका आप वर्गमूल बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपसे पूछा 16 का वर्गमूल क्या होगा, क्यूब रूट नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट। तो 16 का आप बता दोगे बड़े ही प्यार से 4 होता है ना। इधर देखना थोड़ा सा नज़र उठा के, क्या होगा 4 होगा ना। अगर हमने ऐसे पूछ लिया कि 576 का क्या होगा, तो आप जानते हो ये 24 होगा। अगर हमने आपसे पूछ लिया 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये 15 होगा ना। हाँ 15 होगा। लेकिन अगर हमने आपसे पूछ लिया कि 200 का वर्गमूल क्या होगा, तो कितना होगा 20 ना होगा, भूल जाना 20 नहीं होने वाला है, क्योंकि 20 जो वर्गमूल होता है ना वो 400 का होता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कम्प्लीटली वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। अगर हमने कहा 1849 का कितना होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। 10 का वर्गमूल नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर 9 का कहा तो बता दोगे 3 होगा। तो ये संख्याएं जो वर्गमूल निकालने में झंझट पैदा करती हैं, उनके लिए ये रामबाण तरीका है भाग विधि। अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत मज़े से समझ में आएगा, और अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर किया ना, तो ऊपर से उड़ जाएगा बिल्कुल जहाज की तरह, पढ़ लेना पड़ेगा, मालूम ना चलेगा क्या गया, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा नंबर के साथ हम लोग शुरू करेंगे, फिर बड़े से नंबर तक चलेंगे, और क्लास को पूरा देखना अगर समझना है तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। यही नहीं, जो भी क्लास आप देखें PBR स्टडी की, अगर आप वास्तव में समझना चाहते हैं तो क्लास को पूरा देखें, मिस ना करें, बीच में स्किप ना करें, इधर उधर उसको भगाएं वगाएं ना कुछ, इधर उधर का झंझट ना करें, ठीक ना। चलो आगे देखिए। सबसे पहले हम 10 का वर्गमूल करके आपको दिखाते हैं। आपको करना ऐसे है, कैसे ऐसे दो लाइन खींचना है, क्लियर। जो नंबर है उसको कहाँ लिखोगे मालूम है, उस नंबर को जिसका वर्गमूल निकालना है आपको, उसको आपको इसी बीच में लिख लेना है। चाहे तो यहाँ पर एक ही लाइन खींचो, ये जाने दीजिए, एक ही लाइन अच्छा है। यहाँ पर लिख लिया 10 ना, ठीक है। अब ये तो दो ही अंक का है, तो इसमें एक जोड़ा बनेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, कैसे करेंगे, एक सवाल नहीं समझना, 3-4 समझना, फिर समझ में आ जाएगा। एक समझोगे ना समझ में आएगा। हमें ऐसा किसी संख्या का वर्ग करना है जो 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा हो, मतलब उसके पास में आ जाए, एकदम करीब में। बताइए कौन सी ऐसी संख्या होगी। अगर आप 2 का वर्ग करोगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करोगे तो 9 मिलेगा, और 4 का वर्ग करोगे तो 16 मिलेगा। हमें 10 के करीब लाना है, 10 के नियरेस्ट लाना है, तो हमारा हो जाएगा 9, यानी कि 3 का वर्ग। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे और इसके नीचे भी 3। अब 3 का 3 में मल्टीपल करोगे यानी गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। आपने 3 का वर्ग किया था इसलिए 3 ऊपर भी लिख दोगे। अब यहाँ से घटाओगे 1 आएगा, और ये जोड़ लोगे तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आई ना। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है ना। आप क्या बता सकते हो कि इसका वर्गमूल जो है वो क्या होगा, यही हो जाएगा 3। नहीं, गलत है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब आप ऊपर दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ पर क्या उतारोगे 0। ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, पहले ध्यान देना। यहाँ पर एक 0 अकेले नहीं उतरता है, दशमलव बढ़ा के यहाँ जोड़ा उतारा जाता है, ठीक है। 2 0 उतारेंगे एक साथ में। अब आप कहोगे कैसे, चूंकि जो नंबर था यहाँ पर हमें इतना पहले ही कर लेना था, आप लोग भी कर लीजिएगा, दशमलव लगा के इसको 0 0 0 0 ये 2-3 जोड़े बना लीजिएगा, आपके काम आएगा, ठीक है। इसको पहले भी कर लीजिएगा, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें से एक जोड़ा यहाँ उतार लिया, ठीक। अब आ गया क्या 100, लेकिन जोड़ा आपने उतारा था तो दशमलव के बाद का उतारा था, इसलिए दशमलव बढ़ा के तभी आगे बढ़ना। अब 6 के बगल में आप जितनी बार भी ले जाओगे, एक बात याद रखना, अगर आप एक बार ले जाओगे तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, मतलब एक बार ले जाने का मतलब 61 आएगा। अगर 2 बार ले जाओगे इसमें अब भाग, ध्यान देना कैसे करना है,
दो बार ले जाओगे तो आप ऐसे करोगे, मतलब दो दूना चार और दो छंग 12, 124 आएगा। तो हमारे पास 100 है, हम क्या ले जाएंगे, एक बार तो ले जाएंगे ना। तो आप एक बार ले जाओगे यहाँ ऊपर भी यहाँ भी, और इस तरह से आपका ये कितनी बार जाएगा, 61 आएगा। घटा के देखो इसमें से 9, और ये कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3, 49 आया ना, इसको जोड़ लो आ गया 62। ये क्लियर ना, समझ में आया इतना। अब क्या करना है, हम निकाल रहे हैं 10 का अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट। अब आप एक काम कर सकते हो, ऊपर का एक जोड़ा जो है उसको भी उतार सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी हमने लिख लिया। अब ये बताइए कितनी बार इसमें भाग जाएगा, खुद से आप लोगों को ट्राई करना है, नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना। देखिए खुद से इसको ट्राई करेंगे जब आप, तो अगर एक बार ले जाएंगे तो 621 आएगा। अब हम आपको बता दें कितनी बार जाएगा, कैसे समझेंगे, देखना 62 है ना, ये 62 का भाग आप इसमें ट्राई कर लो ना, दो अंक का तीन अंक में 390 में। लेकिन अभी भी आपको कोई झंझट हो रहा होगा तो 62 का मत करो, बड़ा हो जाएगा। आप 39 में 6 का भाग ट्राई करो कितनी बार जाएगा, 39 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा बताइए, 6 से 39 में 6 6 36, 6 6 36, 6 बार जाएगा ना। तो 6 बार ट्राई कर लो क्या जाता है, 6 बार ट्राई करने का मतलब है यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, ठीक, और फिर ऊपर भी 6। तो देखते हैं पहले 6 बार ले जाने पे आएगा क्या, उसके बाद आगे करेंगे। तो 6 6 36 कितना आया, 3, और 6 2 12 12 3 15 कितना आया, कैरी 1, और 6 6 36 और 137। देखो ये 37 5 6 आ रहा है ना, मतलब ये जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कितना आएगा, 37 5 6। अब सबट्रैक कर लो, इसको ऐड करोगे तो 6 6 12 हासिल 1, 2 1 3 और ये 6, ठीक, बात समझ में आई ना। अब इसमें से क्या करना है, इसको घटा लेना है, घटाओगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गया इसमें से 4, 9 में से 5 गया 4, इसमें से एक उधार गया था ये बना था 8, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, क्लियर। अब अगर आप यहाँ पर गौर करिए तो यहाँ 6 बार गया था ना, इसको लिख लो एक बार, ठीक है, अभी आगे भी देखते जाना, भागना मत, समझ में आएगा, टाइम देना। इस तरह से आपने देखा 2 अंक तक हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको और आगे भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अंक तक पूछा है। अगर आपसे कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल ही निकालना है, तो आप 2 अंक तक निकाल करके छोड़ दोगे, 1.6 से इतना लगभग आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई ना। अगर आपसे कहा है कि इसका वर्गमूल 4 अंकों तक निकालिए, 5 अंकों तक, तो आप आगे भी निकाल सकते हैं, ये 2 2 1 7 2 ऐसे लगभग आएगा कुछ, मतलब निश्चित नहीं होगा। अगर निश्चित ही होता तो फिर हमें ये क्यों करना पड़ता, ठीक ना। तो इस तरह की संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वो एक निश्चित और एक कन्फर्म संख्या नहीं होते हैं, ठीक है, लगभग में आता है। तो ये हो गया 10 का वर्गमूल। इसके आगे भी अभी आप कर सकते हो, यहाँ से एक जोड़ा नीचे उतार करके फिर और आगे जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब दूसरे नंबर का देखना, ये तो 10 का हो गया, इसी तरह का और भी हम आपको सिखाएंगे, क्लास पूरा देखना, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ आपको, अगर पूरा क्लास देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा सब। ये थोड़ा मिटाने में दिक्कत कर रहा है, हल्का सा लग रहा है ना। आगे देखना, आगे अब हम लोग निकालेंगे, एक छोटा सा दूसरा बता दें आपको, 10 का हो गया, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। 15 का देख लो, किसका 15 का, पहले इसमें दशमलव लगा के आप 2 जीरो बढ़ा लो या 4 जीरो, मतलब ऐसे जोड़ा बनाना है बस, पेयर ये आपको बना लेने हैं, लास्ट में काम लगेगा। तो जितने अंक तक बोला रहेगा दशमलव के बाद उतना जोड़ी बना लीजिए आप, 2 अंक तक बोला है तो दशमलव के बाद 2 जोड़ी बना लीजिए, 3 अंक तक बोला है तो 3 जोड़ा बना लीजिए, अगर कुछ नहीं बोला तो 1 जोड़ा बना लीजिए। तो अगर इसमें कहा है कि केवल और केवल 15 के वर्गमूल निकालना है, ऐसे कुछ और नहीं कहा है, तो आप ऐसे एक जोड़ा बना के निकालेंगे। कितनी बार जाएगा, कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 15 या 15 के अबाउट आए आसपास, तो आप देखोगे 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा,
लेकिन एक बात याद रखना, 16 जो है 15 से ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे। तो आप 3 का करोगे, ये देखो 3 3 9, यहाँ पे 9 आएगा, इसको आप इधर वाला जोड़ोगे, ये 6, और जो 3 बार गया था वो ऊपर भी बढ़ेगा। इस तरह से इसको आप जब घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा, और ये 2 जीरो उतार लोगे बगल से। अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि 6 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, है ना। अगर 2 बार ले जाओगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसे, 2 2 4 और 2 6 12, 124, है ना। तो कहने का ये मतलब है 6 का भाग 6 में नहीं, आप ये ट्राई करोगे कि 6 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा। लगभग 10 बार जा रहा ना 6 का भाग 60 में, ये देखो कितनी बार जा रहा है, लगभग 10 बार जाएगा ना। तो 10 बार तो लेने जाओगे, 10 बार ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार ले जाके देखो, ये इस तरह से 9 बार ले जाके देखो कितना आता है। 9 9 81 के एक हासिल है 8, और 9 6 54, 54 में 8 जोड़ोगे हो जाएगा 62। देखो 621 हो गया, 9 बार नहीं जाएगा, ये 621 हो जा रहा है, ये मात्र 600 है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा ही ज़्यादा जा रहा है, इसलिए 8 बार पक्का जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो आप ये पॉइंट लगा के 8 ऊपर लिख दोगे। पॉइंट क्यों लगेगा, क्योंकि जो हमने जोड़ा उतारा था इधर वाला, ये पॉइंट के बाद वाला ही था, है ना। तो 8 2 64 के 4 हासिल आया 6, 8 6 48, 48 2 50, 4 54, और ये आपका हो गया 544। इसको घटा लीजिए, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, कुल मिलाई करके 56 आ जाएगा बस। इसको जोड़ोगे 8 8 16 हासिल 1 6 1 7 76 आ गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ आपको एक बात समझना है। वो क्या समझना है, अगर आपको दशमलव के केवल एक अंक तक ले जाना है तो 3.8 इसका उत्तर आ गया, ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया। लेकिन अगर आपको और आगे ले जाना है, एक अंक से अधिक बार ले जाना है, तो इसको आप और आगे ले जा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अंक तक आपसे पूछा गया है, ठीक ना। क्लियर, इतना समझ में आया, नहीं समझ में आएगा बताना, थोड़ा फटाफट पड़ेगा ये, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक ना। बार बार देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए वीडियो को, पक्का समझ में आएगा। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हो कि √15 का जो वर्गमूल है वो 3.8 के लगभग आसपास में आ रहा है, चूँकि 16 का 4 हो जाता है, इसलिए 15 का क्या हो जाता है, 3.8 के आसपास हो जाता है। हाँ, अगर इसके आगे भी ले जाना है तो क्या करना है, इसमें और भी बढ़ाते जाओ, ये 0 बढ़ाते जाओ, यहाँ पर आप एक जोड़ा और उतार लो फिर से। अब क्या करना है, और आगे चलिए, आप देखिए 7 का भाग कितनी बार जाएगा 56 में, 7 का भाग 56 में ले जाओगे, 7 8 56, लगभग 8 बार के आसपास जाएगा। तो 8 बार ले जाने का मतलब है कि यहाँ भी 8 बढ़ेगा और ऊपर भी 8 बढ़ेगा, लेकिन देखते हैं आता कितना है पहले 8 बार ले जाने पर। इधर देखना 5600 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 8 2 64 हासिल आया 6, 8 6 48, 2 50, 4 54 हासिल आया कितना 5, 8 7 56, 56 5 61, देखो 61 44 आ रहा, काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो लगभग 7 बार जाएगा, अगर आप 7 बार ले जाओगे तो कितनी बार आएगा, 7 बार ले जाओगे मतलब 7 8 7, देखो 7 बार का मतलब कि यहाँ पे इसके बगल भी 7 रहेगा, यहाँ भी 7 रहेगा, तरीका समझना। तो 7 7 49, नो, यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि हमने 8 भी जोड़ लिया था, ये 7 7 7 49 हासिल कितना है यहाँ पर 4, और फिर क्या करोगे 7 6 42 42, और फिर क्या हो जाएगा ये 4 42 4 कितना हो जाएगा 46, हासिल कितना आ गया 4 7 7 49 4 53, देखो 7 बार जाएगा पक्का है, है ना। तो 7 बार ले जाओ, 7 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 7 6 42 4 46, हासिल आया 4 7 7 49 4 53। तो 7 बार हो गया, मतलब अगर 2 अंक तक बोला जाता तो आप इसका वर्गमूल लिख सकते थे 3.87। 3 अंक तक बोला जाए तो आप एक जोड़ा और बढ़ा लो, और एक आगे बढ़ा दो चला जाएगा, मतलब जितना अंक तक आप चाहो आगे निकाल सकते हो, ख़त्म तो होना है नहीं इसको, ठीक ना।
तो ये था भाग विधि का वर्गमूल जो कि आपने दो देख लिया, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अगली क्लास में और अच्छे से बताया जाए। इसमें हम आपको छोटा छोटा करवा देते हैं, देखो हमने बड़े कुछ नंबर लिए हैं लेकिन उनको नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि जिन लोगों को नहीं आता उनके छोटे छोटे नंबर के उनको आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक नंबर हम बड़ा नंबर जो लिए हैं उसको भी कर देते हैं, उसके बाद हम सभी छोटे छोटे नंबर का वर्गमूल आपको भाग विधि से करने के लिए देंगे। और एक बात याद रखना, अगर समझना चाहते हो तो क्लास को पूरा देखिए, फिर नहीं समझ में आता है रिप्ले करिए वीडियो को, फिर से देखिए, अगर फिर भी नहीं आता है दो तीन बार देखने पर भी नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको फिर से सिखाया जाएगा, कुछ अलग तरीके से सिखाया जाएगा। 1849 इसका कैसे करोगे? देखो जितना बड़ा नंबर होगा उसका वर्गमूल निकालना उतना आसान होगा। इसमें क्या करना है, ये जोड़ा बन गया ना, अब हमें ऐसा काम करना है जो पहला जोड़ा बना 18, कोई ऐसी संख्या का वर्ग करना है स्क्वायर जो कि 18 के आसपास या 18 के बराबर आए। तो आप जानते हो कि 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आता है जो कि 18 के आसपास है, 5 का करोगे तो 25 हो जाएगा, 3 का करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 18 से बहुत ज़्यादा है, 25 18 से, ओ सॉरी कम था, 25 18 से ज़्यादा है, तो दोनों सही नहीं है, केवल 4 सही है। तो अब ये 4 बार जाएगा इसमें, तो ऐसे लिखेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, 8 हो गया, 4 बार गया था ऊपर भी 4 जाएगा, गुणा करके 16 यहाँ आएगा, ये घटेगा, ये जुड़ गया, ठीक, ये तरीका समझना। अब क्या करना है, ऊपर का जो एक जोड़ा है उसको भी यहाँ उतार लेंगे। अब अगर हम भाग एक बार ले जाएंगे तो यहाँ ऐसे लिखेंगे एक और फिर एक, मतलब कि एक बार ले जाने का मतलब है यहाँ 81 आएगा, ऐसे 1 1 जा 1 1 8 जा 8। अगर दो बार ले जाएंगे तो दो बार ले जाने का मतलब समझना, ये 2 2 4 2 8 16 162। तीन बार ले जाएंगे, देखो अभी कितना बार ले जाएंगे, हमें 249 के आसपास लाना है, तीन बार ले जाएंगे, 3 3 9 3 8 24, ओ देखो एकदम क्लियर आ जा रहा है ये तो जी। तो तीन बार जाएगा ये, तीन बार ले जाओगे, देखो ये आ गया पूरा पूरा, चूँकि ये एक क्या थी 1849 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, ये अपूर्ण नहीं थी, इसलिए इसका कम्प्लीटली हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये घट के सब खत्म हो गया, फाइनल में 43 आ गया। बात समझ में आई ना, ये ज़रूरी नहीं कि केवल अपूर्ण संख्याओं का या फिर जो पूर्ण वर्ग नहीं है उन्हीं का वर्गमूल आप इस विधि से कर सकते हैं, आप इन विधियों को प्रयोग करके जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको भी निकाल सकते हैं, लास्ट में 0 आ जाएगा, शेषफल ख़त्म हो जाएगा वहीं पर, लेकिन अगर इन सब का करेंगे तो इनका कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप ट्राई करते रहिए, हम आपको कुछ और भी नंबर दे दे रहे हैं उसको आप करिएगा, इसका अगला भाग ज़रूर देखिएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इसका अगला भाग आप जब देख पाएंगे, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तभी देख पाएंगे, इसलिए आप ज्वाइन भी कर लें जल्दी से जल्दी, ठीक। अगला भाग हम आपको दिखाएंगे, उसके पहले कुछ होमवर्क आपको दे दे रहे हैं, इसको आप घर से करके आना, भाग विधि से वर्गमूल करना, क्योंकि गुणनखंड विधि से तो लगभग सभी लोग जानते हैं और आपसे बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, इसका काम भी लगता है, मतलब जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता सीधा सीधा उनका आपको कैलकुलेशन में कहीं प्रयोग करना पड़ता है तो आपके लिए बहुत मुसीबत होती है, ठीक ना। इनका वर्गमूल भाग विधि से करना और इसका भी कर लेना, इसका हो जाएगा फिर भी कर लेना, भाग विधि लगाना, इन सब में लगाना भाग विधि। और 169 इन सब का तो हो जाएगा ना। सातवां, जिनका नहीं होगा उनका भी लिख लो ना, ये लो इन सभी का, अगर आप कोशिश करोगे तो सब आएगा, ट्राई करना, होमवर्क है, नहीं होमवर्क करोगे तो फिर गड़बड़ है, फिर आपकी जिम्मेदारी है, आए या ना आए आप जाने, अगर आप होमवर्क करेंगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी होगी, आपको आएगा, पक्का आएगा। अभी मैं आगे से हटूंगा तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक ना, बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो ये नंबर नोट कर लो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हो गया। ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, कॉल का भी नंबर है, इसे आप कर लीजिए।
और हाँ, अगर कंप्लीट मैथ पढ़ना है, वास्तव में सीखना चाहते हैं, कल का पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, कल हम बड़ी संख्याओं का इसको करेंगे वर्गमूल, तो आप इतना जान लीजिए कि आपको 549 का पेज सिर्फ एक बार करना होगा, जो कि हम आपको हर एक क्लास में इसलिए बताते हैं कि अगर आपकी क्लास बीच में छूटती है तो आप नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी क्लासें मिल सकें। कल के बाद हो सकता है आपको 4-5 दिन तक कोई क्लास यूट्यूब पर ना मिले, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है मात्र वही लोग देख पाएंगे, इसलिए आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी क्लास छूट जाए और आप सीख ना पाएँ। बहुत कम राशि है, सिर्फ एक बार पे करना है, कोई मंथली चार्ज कोई सालाना चार्ज नहीं पे करना है, घर बैठे आप देख सकेंगे। इसके बाद आपको सारी सुविधाएँ व्हाट्सएप पर मिलेंगी, क्वेश्चन पूछ पाएंगे, डाउट क्लियर होगा, सब कुछ होगा, और इतना सा सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास जरूर देखना 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ। तो साथियों, जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को अपने साथियों में शेयर करके जाइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखोगे तो YouTube पर बहुत सारी क्लास आपको फ्री में मिलेंगी बिना किसी पेमेंट के। जैसे आपने इसको देखा, इसी तरह की हज़ारों क्लासें फ्री में मिल सकती हैं आपको। शुक्रिया। और हाँ, चलते चलते एक बात अभी और भी बची है, वो बात ये बची है कि PBR स्टडी को आप फेसबुक पर अवश्य लाइक करें। मतलब फेसबुक पर जहाँ फ्रेंड सर्च करते हैं वहाँ पर सर्च करना है PBR स्टडी, और जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेंगे तो आपको 80% तक फ्री की क्लासें यूट्यूब पर मिल सकती हैं। मतलब पेड वाली क्लासें यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर फ्री में 80% तक मिल सकती हैं। और विजिट करें pbrstudy.com, फ्री की PDF फाइल, टेक्स्ट फाइल और अन्य स्टडी मटेरियल वीडियो के साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा। अगर वेबसाइट पे कोई समस्या होती तो नंबर पे संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर से वही कहेंगे कि क्लास को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों में, और लाइक